CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम चिरमी भाग दो। आलेख रमा पांडे का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तुम्हें कल की कहानी याद है ना दोस्तों? हाँ हाँ, कि दर्जी ने कपड़ा क्यों नहीं सिया। तो लो दोस्तों, आगे सुनो ये कहानी अपनी चिरमी गुड़िया से। नमस्ते दोस्तों, लो मैं आ गई। रोज मैं इसी वक्त तो अपनी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी चिरमी गुड़िया से खेलती हूँ, इससे बातें करती हूँ, शहर की, गांव की, घर की, अपनी और तुम लोगों की। लेकिन ये मुझसे कुछ नहीं बोलती, बस चुप ही रहती है। बोलो ना चिरमी, बोलो ना चिरमी। दोस्तों क्या हाल है? तो कल मैं कह रही थी, सोन चिरैया का लहंगा दर्जी ने क्यों नहीं सिया। दोस्तों आज मैं अपना लहंगा लाल रंग का रंगवा कर लाई हूँ। जानते हो किससे रंगवाया था? अरे दोस्तों, अपने गांव के रंग रेत से रंगवाया था। चिरमी ने भी अपना लहंगा वहीं से रंगवाया होगा। हाँ हाँ, वहीं से रंगवाया था मैंने अपना लाल लहंगा। अरे भाई, इस रंगरेज के चक्कर में मैं अपनी वो कहानी तो भूल ही गई जो कल मैं तुम्हें सुना रही थी। हाँ तो दोस्तों सुनो, सोन चिरैया ने धुनिये से रुई धुनवाई, जुलाहे से सूत कटवाया और बुनकर से कपड़ा बुनवाया। फिर दर्जी के पास जाकर बोली, दर्जी भैया ये लो कपड़ा, अब तुम मेरा लाल लहंगा सी दो ना। लेकिन हाँ, इसमें गोटा पट्टी लगा देना और जरी के तारों से कढ़ाई भी कर देना। दर्जी बोला, देख भाई सोन चिरैया, भाई तेरा लहंगा तो मैं सी दूंगा, पर गोटा पट्टी और जरी के तार की कढ़ाई करवानी हो तो तू सलमा के पास जा, भाई ये काम तो वही करेगा। चिरैया सलमा कारीगर के पास गई और उसे सारी बात बता दी।
सलमा कारीगर ने सारी बात सुनी तो उसने कहा, आए बीवी सोच रही है, आए 10 मोहरे लगेंगी कढ़ाई के काम में। आखिर रानी के लहंगे जैसी कढ़ाई कोई आसान नहीं है। भाई दिन रात काम करूंगा तब चमचमाते और चमचमाते सितारे और गोटा पट्टी लहंगे पे टांगूंगा। अब भाई सुई से महीन महीन काम करूंगा। अरे भाई सितारे टांकना भी तो बड़ी मेहनत का काम है। सुनच रैया बोली, ठीक है ठीक है। सुनच रैया की घोंसले में 10 मोहरे रखी थी। वो उन मोहरों को ले आई और कारीगर से बोली, ये लो 10 मोहरे, अब काढ़ो मेरा लहंगा और टांको सल में सितारे। कारीगर ने उस लाल लहंगे पर सलमे सितारे टांके और चमचमाता चमचमाता बहुत चमचमाता कपड़ा तैयार कर दिया। सोच रैया खुशी से पागल हो गई और गई सीधे दर्जी के पास, फुदकती 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 और दर्जी के पास पहुंच गई। दर्जी के पास पहुंचकर सोच रही है बोली, दर्जी भैया देखो देखो ना कितनी सुंदर कढ़ाई है मेरे कपड़े पर, लो अब तो सी दो ना मेरा लहंगा। दर्जी लहंगा सीने लगा और सोच रही है खुशी-खुशी ये गाना गाने लगी, नन्नी नन्नी सुइयां रे रेशम का मेरा काढ़ना, नन्नी नन्नी सुइयां रे रेशम का मेरा काढ़ना। दर्जी लहंगा सीता जा रहा था और सुंच रैया बहुत खुशी से और फुदक रही थी और फुदक रही थी और गा रही थी, नन्नी नन्नी सुइयां रे रेशम का मेरा काढ़ना, नन्नी नन्नी सुइयां रे रेशम का मेरा काढ़ना, नन्नी नन्नी सुइयां रे रेशम का मेरा काढ़ना। और इतने में दर्जी ने लहंगा सी दिया। जब लहंगा सिलकर तैयार हो गया तो सोच रही है ने उसे पहन लिया और फिर क्या हुआ जानते हो? हां चली सोच रही है, चमकती मटकती चटकती लपकती और पहुंच गई राजा के महल के पास। लेकिन जानते हो दोस्तों रास्ते में क्या हुआ? राजा नहीं मिला, मिल गया बेचारी को सोन चिरौटा। उसने सोन चिरैया से पूछा, ओहो ये लाल लाल लहंगा पहनकर कहां जा रही हो? सोन चिरैया ने कहा, आज मैं तो राजा के महल में जा रही हूं। चिरौटे ने पूछा, ओहो राजा के महल में भला किस लिए? सुनच रैया बोली, अरे तुम्हें नहीं मालूम, मैं तो राजा से शादी करने जा रही हूं, राजा मुझसे शादी करेंगे, मैं रानी बनूंगी। यह सुनकर चिरौटे को बहुत गुस्सा आया, वो बोला, चल चल घर चल, बड़ी आई रानी बनने वाली, अरे अपने घोंसले का क्या होगा? अच्छा तू नहीं मानेगी, ला तेरा रानी बनने का शौक मैं अभी पूरा किए देता हूं। यह कहकर चिरौटे ने छट से सोन चिरैया का लाल लहंगा फाड़ दिया, उसकी सारी गोटा की पट्टी उधेड़ दी, सारा लहंगा फट गया उधड़ गया। सोन चिरैया रोती 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 शहर कोतवाल के पास गई और उससे बोली, देखो जी कोतवाल जी मेरा न्याय करो, इतनी मुश्किल से मैंने दुनिया से रुई थुनवाई, जुलाहे से सूत कतवाया, बुनकर से कपड़ा बुनवाया, कारीगर से कपड़ा कढ़वाया, दर्जी से लहंगा सिलवाया और इस चिरौटे ने उसे फाड़ दिया।
से शादी करेगा, मैं रानी कैसे बनूंगी। इतने में दोस्तों जानते हो क्या हुआ, राजा की सवारी वहां से निकली। राजा बड़े दयालु थे, उन्होंने सोन चिरैया को रोते हुए देख लिया तो उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही हो। तो सोन चिरैया ने उन्हें पूरी बात बता दी और उससे कहने लगी कि अब क्या होगा। तो राजा बोले, प्यारी सोन चिरैया, राजा के तो एक ही रानी होती है, मैंने तो शादी कर ली है, पर हां तुम्हें भी रानी बना दूंगा अगर तुम सोन चिरौटे से शादी कर लो। मैं उसे जंगल का राजा बना दूंगा और तुम्हें सोने का बना हुआ एक घोंसला दूंगा, शादी में तुम्हें लाल लहंगा दूंगा, चिरौटे को जरी का साफा दूंगा, फिर तुम दोनों हिल मिलकर बहुत प्यार से रहना। बोलो तैयार हो ना। सोन चिरैया ने जोर से कहा, हां महाराज बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मुझे शादी में लाल लहंगा दोगे ना। फिर क्या था दोस्तों, बड़ी धूम धाम से सोन चिरैया की सोन चिरौटे से शादी हुई। चिरौटा जंगल का राजा बना और सोन चिरैया जंगल की रानी बनी। अपना लाल लहंगा पहनकर सोन चिरैया सबसे मिलने गांव में आई। फिर जानते हो दोस्तों उसने क्या किया, दुनिया को धुनवाई दी, जुलाहे को कटवाई दी, बुनकर को बुनवाई दी, कारीगर को कढ़ाई दी और दर्जी को सिलाई दी, रंगरेज को रंगवाई दी, रे दुनिया को धुनवाई दी, जुलाहे को कटवाई दी, बुनकर को बनवाई दी, कारीगर को कढ़ाई दी, दर्जी को सिलाई दी, रंगरेज को रंगवाई दी, रंगरेज को रंगवाई दी। फिर सब खुश हो गए। अब तुम भी खुश हो जाओ ना ऐसे। अच्छा अब मुझे नींद आ रही है, मैं चलूं। अच्छा दोस्तों, चिमी तो सो गई, अब मैं भी चलूं, कल हम फिर आएंगे, इंतजार करना, नमस्ते। दोस्तों जोर से कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।